अब हम ज़रा नेक्स्ट स्पीकर जो है हमारे उनकी तरफ चलते हैं। सो टेक्सटाइल सेक्टर में इनका बहुत नाम है, और जब भी कोई पर्टिकुलरली एचआर में, टेक्सटाइल में कुछ कहाँ कोई काम फंसता है आईआर और एचआर का, तो एक ही बंदे को कांटेक्ट किया जाता है, और उनका नाम है खुरम खान साहब। खुरम खान साहब इज़ करेंटली वर्किंग विद शाकाम इन द कैपेसिटी ऑफ GM HR एंड एडमिन। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मेंटोर भी हैं। तो हम उनसे ज़रा ये आज जानेंगे कि जो HR की जो चैलेंजेस हैं, जो कि पर्टिकुलरली जो हमें सेक्टर्स में, टेक्सटाइल सेक्टर में जो फेस करने पड़ रहे हैं, ज़रा उसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे। वी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर खुरम खान साहब। मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा, 4 मिनट्स ओनली। HR इन टेक्सटाइल सेक्टर हो या कहीं पे भी हो, HR इज़ इक्वल टू पीपल मैनेजमेंट। जब हम सुबह उठते हैं तो उस वक़्त से स्टार्ट होती है घर के अंदर, फैमिली, सोशल सर्कल, योर कम्युनिटी, योर ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर देर इज़ HR। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, हाउ टू मेंटेन। फैमिली के अंदर भी गॉसिप्स चलती हैं, रिलेशनशिप अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है, ग्रुपिंग भी होती है, लॉबिंग भी होती है, सारा कुछ चलता है। तो जैसे हम वहाँ मैनेज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने इसी को लेकर चलना है। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर एवरी बॉडी, फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ। वो मैं हमेशा कहता हूँ, मसलन हसन के रेफरेंस से भी ये शेयर की जाती है कि ज़रूर दो तीन चीज़ें ज़रूर सीखिएगा अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ योर एटीट्यूड, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर टीम वर्क। इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला फिट होगा। जो चीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे उसी वही आपको रिटर्न मिलेगा, जैसी इन्वेस्टमेंट वैसा ही रिटर्न। सो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हो या आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, IT सेक्टर में चले जाएं, आप मतलब फूड एंड बेवरेजेस में चले जाएं, एवरीवेयर यू हैव टू यू नो फेस डिफरेंट पीपल। तो लोगों की मैनेजमेंट है वो हम मतलब वंस अगेन मैं यही कहूँगा, आप जब सुबह उठेंगे तब से स्टार्ट होगी योर फैमिली, योर किड्स, योर यू नो योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते करते कैसे किसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी से ख़राब ताल्लुकात हैं। तो शिराज़ ने बड़ा अच्छा कवर कर लिया, HR को सम अप कर दिया 3 पॉइंट्स के अंदर, विच इज़ टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट एंड रिवार्ड्स एंड कंपनसेशन। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। तो ये मतलब दिस विल यू नो सेट योर ओवरऑल टारगेट ऑफ योर लाइफ। तो भाई ने बात की थी गोरों का, कि गोरों का जो वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, उनकी HR एक्चुअली उनका थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है, वो हमारी तरह नहीं सोचते। ठीक है, देखिए HR को तो काम कभी भी आसान नहीं होता, इट्स अ थैंकलेस जॉब। मतलब आप ये बात जेन में रखिएगा, HR की जो जॉब है ना, HR की जॉब है वो एम्प्लॉई के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉई के लिए भी वो HR वाला जो सा इतना अच्छा नहीं है, और एम्प्लॉयर के लिए भी वो एक कॉस्ट है। एक चीज़ तो ये जहन में रख लें, तो यू आर बर्डन इन फैक्ट। नाउ हाउ टू मेक इट प्रोडक्टिव, वो आपने नंबर्स से करना है। ये जो नंबर्स अभी डिस्कस किए हैं ना आप लोगों ने, नंबर्स से यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एफिशिएंसी से। हाँ ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में जाके, उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम शराज और मैं डिस्कस कर रहे थे, कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट है, योर नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं जिसमें CEO के ने HR को नया नया एस्टेब्लिश किया है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं ना, तो यू विल बिकम यू नो वेरी मच वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा ही है, जो मुझे थोड़ा सा हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैं क्लियर करना चाहती हूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का HR डिपार्टमेंट और एक सेट कल्चर कंपनी का HR डिपार्टमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट?
देखें जो पाकिस्तान का अगर आप इन्वायरमेंट देखें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो बिज़नेस मॉडल है वो फैमिली बिजनेसेस हैं, ठीक है, फैमिली बिजनेसेस हैं, जबकि अगर हम मल्टीनेशनल की बात करें तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वही डिफरेंट होता है। मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं मल्टीनेशनल्स, बट दे आर फॉलोइंग दैट मॉडल, ठीक है। हमारा जो मॉडल है, आपकी जो तकरीबन 90% पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है वो सारा फैमिली बेस्ड बिज़नेस है। पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली ओन बिज़नेसेस हैं ना, उसके अंदर जो जो ऑनर है ना, बिज़नेस ऑनर, ही इज़ फुली एंगेज इन दैट बिज़नेस, ठीक है। वो हर एम्प्लॉय से डायरेक्ट इंटरेक्शन रखते हैं, वो रखना चाहता भी है, रखते भी हैं, ठीक है, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है ना, जो जैसे हमने कहा फैमिली बिज़नेसेस हैं, तो जो लाइक अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, तो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपको अपने बिज़नेस की निटी ग्रिटी पता, दैट इज़ जस्ट लाइक योर बेबी, आप अपने साथ सपोर्टिंग हैंड्स ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ यू नो ईच एंड एवरी प्रोसेस कि किस प्रोसेस के ऊपर किस बंदे को लगाया है, उसने आउटपुट कैसी दी। अगर वो आउटपुट नहीं दे रहा तो डेफिनेटली यू आर डायरेक्टली लिंक्ड विद हिम, यू आर डायरेक्टली जजिंग हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, यू विल टेक डायरेक्ट डिसीजन। तो हमारे यहाँ जो बिज़नेस का जो सेटअप है वो थोड़ा सा इस तरीके से भी है। दूसरा रह गया रोल ऑफ एचआर, इस तरह के कल्चर के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट के साथ अपने अपने आप को लिंकअप करें, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो एचआर वाले का रोल है वो ये है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ या स्टाफ आप लोग हायर करते हैं, जैसे हमने बात की ना टैलेंट एक्विजिशन की, टैलेंट मैनेजमेंट की, तो वो अगर प्रोसेस अगर आप उसको फुली ओन करें, जब आप एम्प्लॉई एक इंडक्ट करते हैं, इस गेट से एंटर होता है एक बंदा, तो अगर आप उसको फुली ऑन करें, उसको फुल एजुकेट करें, उसकी ग्रूमिंग करें, तो शायद वो उसको टर्मिनेशन की ज़रूरत भी ना पड़े आपको। जब हम खुद एचआर का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस पे जब कभी क्वेश्चन उठता है तो हम कैसा फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, मतलब हमसे भी टारगेट पूरा नहीं होता, रिक्रूटमेंट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, ट्रेनिंग हमने ओडी का फंक्शन एंगेजमेंट लोगों को एंगेज नहीं कर सके, अपनी ट्रेनिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर सके, या लोगों से वो आउटपुट नहीं दे सके, तो हमें ही बड़ा बुरा फील होता है। तो इसलिए जो एचआर वाला है ना, वो उसका जो रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो एक लीडर का रोल है। उसने फ्रंट से प्रूव करना है कि दिस इज़ द परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्मेंस के डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप उसको मैयर करने के लिए जाएंगे, तो एचआर की भी मैयरमेंट है, उसके भी टारगेट्स हैं नंबर्स के अंदर। तो एनी वेज, विश यू गुड लक फॉर दिस कोर्स। हम अक्सर औकात, मैं अपनी ट्रेनिंग से भी कहता हूँ कि अक्सर औकात हम जो है ना, बंदा रख लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करवाते हैं कि इससे करवाना क्या है। आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एचआर में, आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी कोई हायरिंग करें, कम अज़ कम यार कोई उसे वर्क प्लान ले लें, कुछ पता तो चले कि क्या है। आपने उसके 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैसे बढ़ाने हैं, किस पे बढ़ाने हैं, वो भी तो ये चीज़ें सेठ साहब या जो हमारा बॉस है वो हमसे मांग रहा होता है, और हम किस पे लगे होते हैं, पे रोल पे, हम किस पे लगे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे। तो इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज। आप जब कोई काम करके उनको दिखाएंगे तो वो फिर आपको मानेंगे कि ये वाकई है, और वो काम ऐसे नहीं होता। अमूमन कई जगहों पे ये ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार कि जादू की छड़ी या नया बंदा आया एचआर वाला, वो सब कुछ चेंज कर देगा जी। मतलब सेठ की एक्सपेक्टेशंस या बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। आप उनके साथ बैठ के भी, जिस तरह शिराज साहब ने भी बताया, खुर्रम खान साहब ने भी बताया, कि आप बैठ के उनके साथ एक्सपेक्टेशंस मैट्रिक्स सेट करें, देखें यार कि कौन सी चीज़ हमने कब करनी, और पहले डिसाइड कर लें और फिर उन टाइम लाइन्स पर काम करें। बहुत सारे लोग होंगे, रेजिस्टेंस होगी। किचन कैबिनेट का जब भी हमने जिक्र किया, 4-5 लोग बड़े करीब होते हैं, आपने उनको कैसे मैनेज करना है, आपने डायरेक्ट सेठ साहब को कैसे मैनेज करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको आज हसन रजा बता रहा है, आज आपको शहराज चौधरी बता रहा है, आज आपको खुर्रम खान बता रहा है, लेकिन इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने करना है, क्योंकि आपके डायनामिक्स, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। मुझे तो नहीं पता कि आपके दायरे में क्या हो रहा है, किस किस्म की चीज़ें हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है। यहाँ से जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, वो यही है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ें, अब ये जो डिस्कशन आज की थी ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। और आई एम सुपर एक्साइटेड एज वेल कि आज हमने इंटरेक्टिव सेशन किया है, आज हमने लोगों से आपस में हमने जो जो नॉलेज है वो हमने शेयर किया है, और प्रैक्टिकल चीज़ों पे हमने बात की है। मैं यही, इसी तरह की पार्टिसिपेशन जो है
वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अगले जो इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं दे ऑल आर वेरी सीजन, उनसे भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स रिलेटेड जो हैं वो उनसे ज़रूर करें। कल हमें सबाहत बुहारी ज्वाइन कर रही हैं, वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल, मेरी भी मेंटोर हैं वो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आज आप लोगों ने टाइम दिया।